मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। इस महाकाल लोकार्पण के साथ ही पहली बार महाकाल स्तुति गान लॉन्च किया जाएगा। ये गान मशहूर गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने तैयार किया है। इस गान की शुरुआत 21 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के साथ होगी। कैलाश खेर 108 साथियों के साथ पीएम मोदी के सामने इसकी प्रस्तुति देंगे। इस गान में बीन बजाने के लिए नाथ संप्रदाय के 21 सपेरों को भी बुलाया गया है। कैलाश खेर ने यह बताया कि महाकाल लोक के लिए बना स्तुति गान भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे पर ब्रह्म शिव शंभु दयामहे केवल स्तुति गान ही नहीं बल्कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के बहुत करीब है। इसे तैयार करने में लगभग सवा महीने का वक्त लगा है। इसमें 108 संगीतकारों ने संगीत दिया है तो नाथ संप्रदाय के 21 वादकों ने बिन बजाई है। यही नहीं इसमें मंत्रोच्चार का गान भी 21 ब्राह्मणों ने किया है। कैलाश ये भी कहते हैं कि मेरा मानना है जब स्वयं को ईमानदारी से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो फिर वही होता है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गान महादेव के आराधकों के अलावा संगीत प्रशंसकों को पसंद आएगा। इसे न सिर्फ स्तुति है बल्कि अहम जानकारियां भी इसमें हैं और इसकी बनावट में एक ही झूमर लहर है जो सुनने वालों को थिरकने पर मजबूर करेगी। ये युवाओं में अत्याधुनिक को लेकर उत्सुकता पैदा करेगा।